What's going on YouTube? Welcome back to another vlog of mine and welcome from Chandigarh. So guys, finally, alhamdulillah, kal humne delivery le li hai hamari bike, the all new BMW G310 GS ki. और आज हम जाएंगे दिल्ली उसकी एक्सेसरीज लगवाने के लिए, करोल बाग हम जाएंगे. तो ये कुछ रूम है जहाँ हम लोग रुके थे. नजीर भाई अभी फ्रेशन अप होके आ रहे हैं यहाँ से. कुछ ये क्या व्यू दिखाऊं मैं आपको, पहाड़ों से तो अच्छे अच्छे व्यू दिखा दूँ, यहाँ से आप ये थोड़ा सिटी का व्यू देख लीजिए. तो अभी ये दिस वॉज द रूम जहाँ हम लोग रात को रुके थे. अच्छा रूम है, वेरी गुड रूम. एंड दिस इज द वॉशरूम. और गाइस दूसरी चीज, अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी चीज़ मैं घर पे भूल गया हूँ, जिसकी बना मोटो व्लॉगिंग पता नहीं कैसे, और वो चीज़ है गोप्रो का माइक अडेप्टर. एंड माइक भी भूल गया मैं, माइक अडेप्टर भी भूल गया मैं, और इन दो चीज़ों के बिना वेरी डिफिकल्ट इट्स गोना बी टू डू व्लॉगिंग. लेकिन देखते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं रास्ते में. चलिए लेट्स हैव आवर ब्रेकफास्ट नाउ. इस होटल का नाम बाय द वे होटल द पेलिकन है, द पेलिकन सॉरी. तो गाइस ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट. पोहा है, पराठे हैं, चाय है और ब्रेड ऑमलेट आ रहा है और दही है और नज़ीर भाई है. थोड़ी ब्रेकफास्ट नज़ीर भाई भी ब्रेकफास्ट ही है वैसे तो. चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट को फिनिश करते हैं, देन राइडिंग गियर्स पहनते हैं और निकलते हैं दिल्ली की तरफ. गाइस फाइनली वी आर ऑल सेट टू लीव. राइडिंग गियर्स हम लोगों ने पहन लिए हैं, अब बस ये सामान बाइक पे बांधना है और निकलना है फिर, है ना नज़ीर भाई. Guys, bike is all set to leave. Oh, bhai saab. So guys, Chandigarh ki abhi sadkon pe hum log chal rahe hain. तो गाइज अब हमें थोड़ी हवा लग रही है. अभी तक हम लोग चला रहे थे बाइक और हवा में बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, लेकिन अब थोड़ा हम लोग ने स्पीड ली है तो अब जाके हमें हवा लग रही है. और हवा लगेगी भी कैसे गाइज, हम लोगों की आदत नहीं है इतनी गर्मी में राइड करना. हम तो श्रीनगर कश्मीर से हैं और वहाँ का मौसम आप लोगों को पता ही है कितना अच्छा रहता है. तो गाइज़ दिस राइट ओवर एयर इज़ द फर्स्ट फ्यूल स्टॉप ऑफ अलास्का. तो पहला हम फ्यूल अप करेंगे अलास्का में. गाइस वी आर अबाउट टू रीच हरियाणा. हरियाणा बॉर्डर हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं. फील्स वेरी नाइस. अभी तक की राइड एकदम ऑसम रही, बिल्कुल भी थकान मुझे फील नहीं हुई. यू नो गिविंग द फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ राइडिंग BMW G310 GS, थोड़ी सी भी थकान मुझे लगी नहीं. तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है हरियाणा, और इसी के साथ हमारी एंट्री हो चुकी है हरियाणा में. गया आई थिंक पहले 120-130 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हमारी बाइक की एंड इट फील्स वेरी गुड. एंड वाओ देखिए बाइक लग क्या रही है, इट्स लुकिंग लाइक अ बीस्ट ब्रो. तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्टॉप ले लिया, यहाँ पे हम लोग लेमन सोडा पियेंगे, उसके बाद हम अपना सफर कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स. तो गाइस टेस्टिंग द स्पीड ऑफ BMW G310 GS, इसकी स्टेबिलिटी मैं चेक कर रहा हूँ. एंड राइट नाउ आई एम क्रूजिंग एट 110, ऑलमोस्ट 110 पे मैं अभी क्रूज़ कर रहा हूँ. और वाइब्रेशन ज़्यादा फील नहीं हो रहे, बस थोड़ा हैंडल बार पे वाइब्रेशन और फुट पैक्स पे वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, बट नथिंग टू वरी अबाउट. आराम से 110-112, देखिए मैं बिल्कुल 115, 117, 119, 120, 122, 123, तो वेरी ईजिली, मतलब देखिए आप स्पीड 124-125, पहली बार इस मोटरसाइकिल पे इतनी स्पीड ली है यार, लेकिन मज़ा आ गया यार. एक नंबर की स्टेबिलिटी है, तो बिल्कुल भी मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा. रोड्स भी बिल्कुल सीधे हैं, बहुत अच्छे रोड्स हैं, मेनली फ्रॉम जो चंडीगढ़ टू दिल्ली वाला हाईवे है, इट्स वेरी गुड. और बाइक की स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है. तो गाइज इसी के साथ हम लोग करोल बाग पहुँच गए हैं, सारकाट करोल बाग, यहीं पर हम काम कराएँगे आज बाइक का. गाइस करोल बाग हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं, बाइक हमने वहां दे दी है मॉडिफिकेशन के लिए. अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विल बी डूइंग लंच.
खाते हैं पहले, क्योंकि चंडीगढ़ से जब निकले तब से यहाँ तक हमने ना कोई ब्रेक लिया है ना कुछ खाया है। सो लेट्स हैव सम फूड नाउ, उसके बाद आप लोगों को हम बाइक दिखाएंगे कि बाइक हमारी कैसी लगेगी। मॉडिफिकेशन, फाइनली दी मॉडिफिकेशन ऑफ BMW G310 GS हैज स्टार्टेड। देखिए एज यू गाइस कैन सी, क्रैश गार्ड अभी लग रहा है नीचे वाला, इसके बाद ऊपर वाला क्रैश गार्ड लगेगा, फिर आगे का हमारा विंड स्क्रीन लगेगा, एंड देन हैंड गार्ड्स लगेंगे, एंड मोबाइल होल्डर लगेगा। तो जैसे ही पूरी मॉडिफिकेशन कंप्लीट होती है उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा पूरा काम हो चुका है थैंक्स टू स्टार कार्ड, काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। इन लोगों की सर्विस बिल्कुल एक नंबर है और बहुत ही ज़रा चीप, मतलब मुझे पर्सनली नहीं लगता कि करोल बाग में इसी ज़रा चीप कहीं पर भी आपको सर्विस मिलेगी। और ये देखिए अपनी BMW कैसी लग रही है, वाओ, इट्स लुकिंग लाइक अ बीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, लुकिंग लाइक अ बीस्ट, एब्सोल्युटली लाइक अ बीस्ट, बहुत अच्छी लग रही है। तो ये इनका शॉप है, एक बार और आप देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी आपको मॉडिफिकेशन कराना हो आप यहीं से करा सकते हो। कितना पड़ा इसका? तो गाइस फाइनली जो भी हमें काम कराना था अलास्का पे, फाइनली वो काम हो गया है। देखिए कैसी लग रही है अपनी बाइक, ओ माई गॉड, लुकिंग ऑसम ब्रो, देखिए कितना बल्की लग रही है जरा भाई, और पीछे देखिए जिस होटल में हम रुके हैं, इस होटल का नाम भी अलास्का है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। एंड टॉकिंग अबाउट दी मॉडिफिकेशंस गाइस, हमने इसमें क्रैश गार्ड लगाया है जो हमें पड़ा है सार कार्ड का 4,100 रुपये में, और फ्रंट वाइज़र लगाया है जो कि हमें पड़ा है 2,000 रुपये में, और साइड के हैंड गार्ड्स लगाए हैं जो हमें फिर से 2,000 रुपये में पड़े हैं, और मोबाइल होल्डर लगाए जो 1,000 रुपये में पड़ा है, और फुट वो एक्सटेंडर साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगाया वो करीबन 500 रुपये या 700 रुपये का पड़ा है। तो नियर अबाउट यहाँ पे जो हमारा खर्चा आया है वो आया है 9,000 रुपये कम्प्लीट। देखिए कितना चीप है गाइज, मतलब 9,000 रुपये में हमारी पूरी BMW की मॉडिफिकेशन हो गई, इंक्लूडिंग दी क्रैश गार्ड्स, इंक्लूडिंग दी अपना फ्रंट वाइज़र विंडशील्ड जिसको हम बोलते हैं, इंक्लूडिंग हैंड गार्ड्स एंड इंक्लूडिंग दी मोबाइल होल्डर। फिलहाल ये एक्सेसरीज़ मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी इसीलिए मैंने यही एक्सेसरीज़ लगवाई, आगे फ्यूचर में अब जो जो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लोग और ज़्यादा इसमें एक्सेसरीज़ लगवाएंगे।